अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, खैरी आफियत के साथ होंगे। तो जी आज का मज़ेदार व्लॉग करते हैं शुरू। मैं यूनिवर्सिटी के लिए तैयार भी हो चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट भी है। बाइक बाहर निकाल ली है, धूप बड़ी प्यारी प्यारी निकली हुई है और यहाँ से देखें बच्चा पार्टी जो है ना पतंग उड़ा रही है। तो खैर अपना हम बाइक निकालते हैं और चलते हैं यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी चल के मिलते हैं भैया जी। यार यूनिवर्सिटी पहुंच आए हैं, बाइक अपना पार्क कर दिया है, मस्त अभी जाती हैं जाके अपनी क्लास लेते हैं और मैं जल्दी जल्दी घर से निकला हूं। भैया जी काफ़ी लेट भी हो चुके हैं और आज हमारी लगातार 3 क्लासेस हैं, मतलब एक के बाद एक, नो गैप भाई। तो मस्त जाती हैं अभी अंदर क्लास लेते हैं भाई, अपनी फेवरेट जगह से गुजर के जाते हैं भैया जी। चलो चलो चलो, यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छी खासी धूप निकली है भाई, धूप ही धूप, धूप ही धूप, मतलब मज़ेदार मौसम बना हुआ है। डिपार्टमेंट के पास भी पहुँच आई हैं और जाके क्लास लेते हैं भैया जी। तो फाइनली यार डिपार्टमेंट में आए हैं, डिपार्टमेंट सारा खाली है। हमारे क्लास फेलोज बिलाल भाई कैसे हैं? कैसे हैं आप? वहाँ क्यों खड़े हैं क्लास? यार चेहरे ही नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफ में, फीस दे रहे हैं फिर भी चेहरे कोई नहीं है, क्या करें? रोया जा रहे हैं, मतलब कि क्लास फुल हो चुकी है और हमें चेयर लेके जानी पड़ेगी। हाँ मैं चेयर ढूंढ के दे तो चेयर लेते हैं, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे ठीक हो गया। तो चेयर लेते हैं, फिर क्लास में जाते हैं भाई। तो फाइनली चेयर हमें मिल चुकी है और ये लेके जाती हैं भाई, और क्लास LR36 में तो मस्त जाके क्लास लेती हैं। फाइनली यार क्लास हमारी एंड हो चुकी है, सब देखे बाहर जा चुके हैं और हम भी मस्त चलते हैं बाहर। फरीदी भाई, अब्दुल्ला भाई भी इधर से आ गए हैं। चलो यार क्लास लेके हम बाहर भी आ गए हैं और अभी गुड न्यूज़ भी है और एक बैड न्यूज़ भी है, लेकिन ये सब कुछ देने से पहले धूप बड़ी प्यारी प्यारी बाहर हुई है भैया जी। अच्छा मैं आप लोगों को जो कह रहा था कोई गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है, तो पहले क्या गुड न्यूज़ दूँ या बैड न्यूज़ बताएँ? गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ भाई? पहले बैड न्यूज़ दे दें फिर बाद में गुड न्यूज़। देखता कौन है ब्लॉग? ये देखता है, ये देखता है, ये देखता है। मैं तो पहली गुड न्यूज़ ये है भाई कि हमारी जो दूसरी क्लास थी वो हो गई है कैंसिल, मतलब भी आ गए हम बाहर, नहीं तो भी अगर क्लास होती तो हम जाके नीचे क्लास ले रहे होते। तो खैर क्या कसम से मुझे अभी पता चला है, सुबह नहीं पता था, नहीं तो मैं आराम सुकून से आता। तो खैर जो बैड न्यूज़ है वो ये है कि भाई हमारा रिजल्ट भी आ गया, कोई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया, यही बात है ना? अच्छा है आपका, अच्छा है ना, मेरा तो नहीं है ना। हमारे टोटल जो पेपर हुए ना वो 25 नंबरों के थे, तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा मिनिमम मेरे नंबर है ना, पूरे नहीं बता रहा लेकिन मिनिमम नंबर जो है वो 14 है, बाकी सारे मतलब ऊपर ऊपर है, कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है, बल्कि सॉरी 14 नहीं 11 मिनिमम नंबर है, मतलब 25 में से 11 मेरे सबसे ज़्यादा मिनिमम और मैक्सिमम जो है 20 है, तो इन्हीं के दरमियान है। खैर पास तो हैं लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा कम है। खैर रिजल्ट का क्या बना है? रिजल्ट फुल डने पे है यार, फुल इंग्लिश है रिजल्ट, गुड हो गया जी। मगर बाज मेरे साथ थे तो बहुत अच्छे ग्रेड आए इन बाइक की वजह से, थैंक यू। खैर यार बैड न्यूज़ यही थी कि भाई हमारा रिजल्ट आ गया, कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है, इनका भी इसी तरह ही कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। तो खैर अभी बाहर जाके धूप शूप लगवाते हैं, ग्राउंड में चलते हैं भैया जी, जाके बैठती हैं अपने ग्राउंड में। और एक चीज़ और अब मैं देख रहा था कॉमेंट्स के अंदर, कॉमेंट आप लोगों के बहुत ज़्यादा सारे आए हुए थे, वो ये था कि आप हमें यूनिवर्सिटी ऑफ वा का हॉस्टल भी दिखाएँ यार, बॉयज़ हॉस्टल जो है ना वो दिखाएँ। तो ये बात बड़ी अच्छी है उन लोगों के लिए भी जो यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं और जो यूनिवर्सिटी में हैं और उनके पास हॉस्टल नहीं है, तो हमें वीडियो बाकी बनानी चाहिए इस चीज़ को। मैंने भी नहीं बनाई, मुझे याद भी आप लोगों के कमेंट की वजह से आया। तो खैर इसी हफ्ते में मैं वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, हॉस्टल के बारे में, और हॉस्टल के बारे में सारा कुछ गाइड करूंगा भाई। अभी चलते हैं भैया जी कैफेटेरिया क्रॉस करके सीधा ग्राउंड के अंदर, कैफेटेरिया भी आ गया। तो ये भाई लोग भी हमारे बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसे हो? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तबीयत से ठीक है? आगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे। और ब्लॉग कैसे चल रहे हैं आप? बेहतरीन भाई, आएंगे हम भी ब्लॉग में, क्यों नहीं आ गए हैं जी, आगे आगे। तो देखे ना भैया जी, अब हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी मार्केट जो है थोड़ी बढ़ती जा रही है, मतलब कि लोग जानते हैं कि हम ब्लॉग बना रहे हैं। तो खैर कोई नहीं, हॉस्टल के बारे में जो वीडियो है ना वो इंशाल्लाह इसी हफ्ते में आ जाएगी भैया जी, बेफिक्र हो जाए आप लोग। और फिलहाल हम ग्राउंड के अंदर भी आ चुके हैं और इधर मस्त जाके अपने धूप शूप लगवाते हैं भाई। आज यहाँ गेम शेम भी कोई नहीं हो रही, नहीं तो यहाँ पे ज़्यादा सारे लोग आए होते हैं और गेम शेम खेलने में मसरूफ़ होते हैं। आह टॉफी, तो चलें यहाँ पे गेम शेम हो रही होती है वो भी नहीं हो रही, सारे बंदे धूप शूप लगवा रहे हैं तो हम भी मस्त चलते हैं और जाके धूप शूप लगवाती हैं ये। ओए ग्राउंड में देखें अच्छी खासी और प्यारी प्यारी धूप भी निकली हुई है, मस्त अपनी यहाँ टॉफी भी खाते हैं और मौसम को इंजॉय करते हैं। ये इसका कहते हैं ना कि एक बंदे को फेवरेट खेल होता है, ये इसका फेवरेट खेल है, ग्राउंड में आके बोतलें पड़ी होती हैं उनके साथ फुटबॉल खेलते हैं। यार अभी थोड़ी देर यहीं पे बैठती हैं, धूप शूप लगवाती हैं, इस तरह करके कुछ बैठते हैं भैया जी, टेक लगा के ना रगीब भाई के साथ यहीं मस्त बैठते हैं। यहाँ से अब्दुल्ला भाई ने गाने शाने भी अपने चलाए हुए हैं, वो भी मस्त सुनते हैं और टाइम पास करते हैं जब तक हमारी अगली क्लास का टाइम हो जाए भैया जी, और ये हमारी आखिरी क्लास होगी, फिर लेके घर की तरफ निकल जाएंगे।
बोलो ना बूटी हो गए। काफ़ी देर बैठने के बाद अभी टाइम हो गया हमारी अगली क्लास का, तो मस्त जाके अभी क्लास लेते हैं भैया जी। अभी हम ग्राउंड क्रॉस करके ना कैफेटेरिया क्रॉस करेंगे, फिर हम पहुंचेंगे डिपार्टमेंट और फिर जाके लेंगे भैया जी क्लास। ये पहुंचे हैं भैया जी अपने बास्केटबॉल ग्राउंड में, यहाँ पे भी कोई इतना रश नहीं है, तो खैर कैफेटेरिया के पास भी पहुँचेंगे, इसको क्रॉस मारते हैं भैया जी जल्दी से। बस भैया जी अभी अपने डिपार्टमेंट के पास भी पहुँच आई हैं। अंदर जाने से पहले भैया जी मलक जी से मिले, मलक जी को टी वी पे आने का बड़ा शौक है। हेलो मलक जी, मलक जी, मलक जी टीवी पे आ चुके हैं आप। थैंक यू लाते आए नहीं, वैसे वीडियो बना के रोज वीडियो अपलोड भी किया करो। और सोड़ा सलीमो तो कुत्ता कुत्ता कही ये स्पेशल मलिक अरबाज के लिए भाई। उधर सामने क्लास है भैया जी, हम भाग के चलते हैं जल्दी से क्लास लेते हैं। पहली यार हमारी तीसरी क्लास भी एंड हो चुकी है। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, सारे जा रहे हैं भैया जी बाहर। कैसे हो तब से श्याम भाई से मिले, हमें आज सारा दिन में नहीं मिले और अभी मिल रहे हैं, और अब मस्त चलते हैं भैया जी बाहर। पर यार सारी क्लासेज जो है अब एंड हो चुकी हैं, लेकिन अब बाहर निकलेंगे तो भैया जी शाम हुई है, ये देखें आहा जो धूप छूप है सारी ख़त्म हो चुकी है, यूनिवर्सिटी भी हमारी सारी खाली हो चुकी है। यही होते हैं भैया जी इतनी ज़्यादा सारी क्लासेस का मसला, तो खैर बाहर आ चुके हैं और अभी चलते हैं भैया जी घरों की तरफ। जी यूनिवर्सिटी भी तकरीबन सारी देखें खाली हो चुकी है, फेवरेट जगह से होते हुए जाएंगे भैया जी हमारे ओलिए से। देखें बाल छाल भी और जो दाढ़ी छाड़ियाँ ये भी बड़ी हुई है, ये एक ही दफ़ा हमने कटवानी है क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं मतलब घूमने शूमने कहीं, तो अलग चीज़ आप लोगों को एक दफ़ा दिखाने को मिलेगी, पहले भी मैंने दिखाई थी उधर ही दोबारा जाएँगे। तो खैर कुछ दिनों में आप लोगों को तो पता तो लग जाएगा, लेकिन कटिंग शटिंग भी उसी टाइम होगी। सही पप्पू बन के जाएंगे भैया जी, पप्पू लुक होगी। और मस्जिद के पास भी पहुंच आए हैं, फूल चेक करें भैया जी कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी के बाइक स्टैंड में भी पहुंच आए हैं भैया, देखें भैया जी सारे बाइक शाइक जा चुके हैं। और वीडियो हमारी दोबारा नहीं बनी जो मैंने बोला था कि भैया जी अपने बाइक जो यूनिवर्सिटी के ना वो सारे गिनेंगे कि भाई कितने ज़्यादा सारी हैं, तो खैर हमारा बाइक भैया जी ये सामने खड़ा है बाइक। लेकिन एक दिन भैया जी हम सारे जो बाइक होंगे ना गिनेंगे ज़रूर और आप लोगों को बताएंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी में बाइक कितने ज़्यादा हैं। खैर अपना बाइक निकाल लिए और अब चलते हैं मस्त घरों की तरफ, सगी भाई भी हमारे साथ आएंगे। यार ये भाई के घर भी पहुंच आए हैं। ओके जी अल्लाह हाफिज़, भाग जाओ भाग जाओ, हम भी चलते हैं भैया जी घरों की तरफ। फाइनली आ रहे हैं अपने स्वीट होम भी पहुंच आए हैं, हमने बाइक भी अपना पार्क कर दिया है, हेलमेट भी उतार लेते हैं और बस जाके सामने दरवाज़ा बंद करते हैं भैया जी। और बाहर जो है प्यारी सी शाम भी हो रही है, आहा ये चक्कर सूरज बिल्कुल ग़ुरूब हो चुका है और हम अभी घर भी पहुँच आए हैं मस्त। अरे मस्त अभी चलते हैं भैया जी अंदर, और अंदर जाके भैया अपने कपड़े शपड़े जाना वो चेंज करते हैं, लाइट भी यहाँ से ऑन कर लेते हैं, कपड़े शपड़े चेंज करने के बाद मिलते हैं। और सर्दी भी सही बढ़ गई है भाई, तो फाइनली यार मैंने कपड़े शपड़े चेंज कर लिए और अभी जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ये भैया जो हमने नया ट्राईपॉड लिया था ना, जिन्होंने पिछला ब्लॉग देखा होगा उनको याद होगा, तो ये उसके ऊपर बना रहा हूँ। और आप लोगों ने कमेंट करना है कि इसके ऊपर ब्लॉग कैसा बन रहा है भैया जी, मज़ेदार आ रही है लुक या नहीं आ रही है, देखें सामने आह ये ट्राईपॉड से बना दूँ। तो खैर अभी बैठ के मैं मस्त अपनी वीडियो एडिट करता हूँ, वीडियो एडिट करने के बाद मिलते हैं और इसके बारे में कमेंट जरूर करना है कि भाई इससे वीडियो कैसी बन रही है। फाइनली यार मैंने वीडियो एडिट कर लिया और अभी मस्त हमारा खाना आ चुका है और रात का खाना भी मस्त बैठ के खाते हैं। और खाने में भैया जी आज बने हुए कोफ्ते, तो मस्त खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद मिलते हैं भैया जी। यार खाना पीना भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने अभी अभी क्लिप देखे हैं जो व्लॉग बनाता रहा हूँ इसे ट्राईपॉड से, उससे यार अच्छे नहीं बने। खैर मेरा थोड़ा थोड़ा हाथ बैठेगा ना फिर ट्राईपॉड से सही सही व्लॉग बनेंगे। खैर अभी हम अपने हाथ से ही बना रही हैं। आज के व्लॉग में भाई हमारा रिजल्ट भी आ गया था, तो आज का जो व्लॉग होगा वो रिजल्ट के नाम होगा भैया। दूसरी बात है इस व्लॉग के अंदर मैंने मीम्स भी काफ़ी ज़्यादा सारी ऐड की हुई हैं, तो आप लोगों ने कमेंट करना है कि हम मीम्स वगैरह व्लॉग में ऐड किया करूँ या ना किया करूँ, इससे अच्छा व्लॉग बनता है या नहीं बनता। तो खैर बाजू एक दो दफ़ा पहले मैंने ऐड किया था, तो उस टाइम आप लोगों के कॉमेंट्स आए हुए थे कि यार आप रोस्टिंग नहीं कर रही हैं आप व्लॉग बना रही हैं तो ना ऐड करें। तो खैर अब मैंने दोबारा किया, तो आप लोगों ने कॉमेंट करना है कि अच्छा है या नहीं है। तो आज का मज़ेदार व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मिलेंगे, तो मुझे दें इजाजत। ओके अल्लाह हाफिज़।